जब थेरेपी ली जाती है तो पेशेंट को अक्सर कुछ एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाने के लिए बोला जाता है, खासकर के तब जब उसने ज़्यादातर एक्टिविटीज़ करनी बंद कर दी हैं, जैसे कि डिप्रेशन में, ओसीडी में या स्किजोफ्रेनिया या किसी भी जैसी बीमारी में। ये एक्टिविटी करने के लिए बोलना ऐसा नहीं है कि पेशेंट को बिजी होने के लिए बोला जा रहा है। ये कई लोग चूक कर देते हैं, सोचते हैं कि थेरेपिस्ट भी वही बोल रहा है जो मेरे घर के लोग बोल रहे हैं, या घर के मेंबर्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि थेरेपिस्ट भी वही बोल रहा है जो कि हम बोलते रहते हैं, तो इसके लिए थेरेपी क्यों लेनी, इसके लिए इतना पैसा क्यों खर्च करना। पर यहाँ एक फ़र्क है, एक्टिविटी शेड्यूलिंग एक पर्सन को प्लान करने के लिए उसकी हायर थिंकिंग एग्जीक्यूटिव स्किल्स को ट्रिगर करने का, एक्टिवेट करने का तरीका होता है। डिप्रेशन, ओसीडी, इन सब बीमारियों में एक पर्सन की एग्जीक्यूटिव स्किल्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी एक्शंस को प्लान नहीं कर पाते। प्लानिंग के थ्रू अपने मन से जब वो काम करते हैं, दिन को डिसाइड करके उसमें एक्टिविटी करते हैं, तो उनके मूड और इमोशंस में चेंजेस आते हैं, तो फोकस जो है वो बिल्कुल अलग होता है थेरेपिस्ट का।